की दहशत फैली हुई है। इस दहशत की वजह से देश भर में जारी किया गया लॉकडाउन, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील भी मिल गई है। जहां एक ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सितारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस और गीता कपूर ने शूटिंग कंप्लीट की है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर मलाइका अरोड़ा के बारे में, तो मलाइका अरोड़ा शूटिंग के सेट पर नहीं पहुंच पाई। वहीं लगातार मलाइका अरोड़ा को लेकर कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि मलाइका अरोड़ा ने कहीं इस शो को छोड़ तो नहीं दिया है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि असलियत कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि मलाइका अरोड़ा जिस बिल्डिंग में रहती हैं, उसी बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। ऐसे में मलाइका अरोड़ा घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और यही वजह रही है कि 13 जुलाई के दिन मलाइका अरोड़ा शूटिंग के लिए सेट पर नहीं पहुंच पाई। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि मलाइका ने अपनी बात को मेकर्स के सामने भी रखा है। वहीं मलाइका अरोड़ा के बदले मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी और शख्स को जज बनाने का फैसला लिया गया। मलाइका अरोड़ा ने खुद इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि वो अगले हफ्ते से शूटिंग पर लौटने की पूरी कोशिश करेंगी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि मलाइका अरोड़ा के बदले कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जज के तौर पर चुना गया। मलाइका कहती हुई नजर आई कि मैं रेमो डिसूजा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी जगह जज बनने का फैसला लिया, लेकिन मैं जल्द ही शो पर वापसी करूंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियाज बेस्ट डांसर के आने वाले एपिसोड में गीता कपूर, टेरेंस लुइस और गेस्ट जज के तौर पर रेमो डिसूजा नजर आएंगे। वहीं मलाइका अरोड़ा बाद में शो पर वापसी जरूर करेंगे। और इस तरीके से मलाइका अरोड़ा ने ये अहम फैसला लिया है कोरोना वायरस के चलते। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।